नमस्कार दोस्तों, मौसम में बदलाव के साथ साथ हमारी सेहत के लिए बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, सेहत से छोटी मोटी जुड़ी समस्याओं के लिए दवाओं का सेवन करना अच्छा नहीं होता। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमारे देश में पूजनीय और आदरणीय माना जाता है। यहाँ पर लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से इसकी पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी के इस्तेमाल से आप अपनी सेहत से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं से बहुत ही आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपको सरदर्द की समस्या है तो इससे आराम पाने के लिए तुलसी के पत्तों को धोकर इसका रस निकाल लें और इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर नियमित रूप से खाली पेट लें। लगभग एक हफ्ते का नियमित प्रयोग करने से आपको सरदर्द में बहुत राहत मिलेगी। और दोस्तों, मौसम बदलने के साथ यदि आपको सर्दी जुकाम की समस्या हो गई हो तो तुलसी का सेवन करें। इससे सर्दी खांसी की समस्या बहुत जल्द दूर हो जाती है। इसके लिए करना यह है कि 4-5 तुलसी की पत्तियां ले लें और अदरक लगभग 5 ग्राम लें। इन दोनों को साथ में मिलाकर चबाएं। ऐसा करने से आपकी सर्दी खांसी की समस्या बहुत जल्द दूर होगी। और यदि आप चाहें तो आप तुलसी की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। दोस्तों, तुलसी स्ट्रेस यानी तनाव को दूर करने में भी रामबाण असर रखती है। सुबह खाली पेट 3-4 पत्तियां अगर आप तुलसी की लेते हैं तो आपके तनाव में काफी राहत मिलेगी। और दोस्तों, तुलसी हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपको आंखों में जलन या खुजली महसूस होती हो तो रात में सोने से पहले तुलसी का रस पिए। इसके अलावा आप तुलसी के पत्ते का 1-2 बूंद रस अपनी आंखों में भी डाल सकते हैं। इससे आपकी आंखों को बहुत से फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी बदलते मौसम में सेहत से जुड़ी समस्याओं में तुलसी के इस्तेमाल की बात। अब इजाजत दीजिए, आने वाले एक नए वीडियो और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सेहत खजाना को सब्सक्राइब न किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लेकर आते हैं सेहत से जुड़ी समस्याओं के आसान और घरेलू समाधान और सेहत से संबंधित नई नई लाभदायक जानकारियां। आप सेहत खजाने से जुड़े रहिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। और दूसरी चीज दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसको ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है। और अंत में, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।